अथाल खाड़ीपाड़ा के गांव विस्तार में सड़क को लेकर ग्रामीण निकले बाहर। आखिर क्या कर रही है चुनी हुई टीम? चुनाव के समय वोट मांगने आने वाले नेता आखिर करवा क्यों नहीं पा रहे हैं सड़क पास? ग्रामीणों ने लगाया कई आरोप। नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। खबर है अथाल के खाड़ीपाड़ा गाँव की, जहाँ पर गाँव के बीचों बीच पक्की सड़क और आगे और पीछे कंची सड़क देखने को मिल रहा है। और इस विषय में विस्तार के ग्रामीणों ने प्रदेश में कई जगहों पर इसकी लिखित शिकायत कर चुके हैं। कई जगहों पर इस विषय पर अपनी मांगों को भी रख चुके हैं। इसके बावजूद किसी भी प्रकार की कार्य चुने हुए प्रतिनिधि एवं अधिकारी करने में असमर्थ रहे। अब जाकर ग्रामीणों ने मामले को आवाज देने के लिए सिलवासा न्यूज लाइन से संपर्क किया है और अपनी बातों को हमारे माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। अंत हम भी जिला प्रशासन से अपील करते हैं कि इस मामले में प्रदेश के सर्वोत्तम विकास करने वाले प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी एवं दानहा के तेज तरार कलेक्टर डॉक्टर राकेश मीनास जी को हस्तक्षेप कर मामले में जरूरी कार्रवाई करते हुए जनता की मांगों को पूर्ण करना चाहिए। देखिए इस विषय में ग्रामीणों ने हमसे क्या कहा। इसी तरह आसपास की खबरों को बने रहने के लिए सिलवासा न्यूज लाइन से बने रहे, धन्यवाद। इतनी तादाद में आप लोग निकले हो, वो क्या चीज के ऊपर आपकी समस्या क्या है? हमारी जो समस्या है कि हमारा स्कूल इधर है, हमारा गांव जो है इसमें कम से कम 40 या 45 जैसे घर है। और यहाँ दुख की बात यह है कि जो नगर हवेली में सारे स्कूलों में रोड रास्ता जो है, और हमारे यहाँ से कम भारत देश आज़ाद हुआ तब से आज तक रोड के लिए हम कितना संघर्ष किया, कितने हमने एप्लीकेशन दिया है और कितनी बार हम पॉलिटिकल मतलब हर कोई पार्टी से हमने बात भी की है, फिर भी हमारी कुछ इसमें कोई कार्यवाही होती नहीं और रोड का वैसे ही वैसे पड़ा रहता है और हमको जाने आने में कितनी दिक्कत होती है। छोटे बड़े लड़के हैं तो जैसे वो जाते आते हैं इसको भी पता है। हम कितनी बार गए हैं मामलेदार साहब के पास भी, वो भी कहता है कि चलो तुम्हारा हो जाएगा करके। हम कितने सालों से देखो, अभी कितना साल हो गया आज़ाद होके, तो ना विजिट करते हैं ना किसी को। वो जैसे हमको जैसे बुलाएंगे बाद में वो बोल देंगे कि चलो जाओ हम कर देंगे, तो आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। हम आशा करते हैं अभी आप लोग जो आए हैं मीडिया वाले, तो हम जैसे आपके ऊपर भरोसा है कि जैसे अभी आप हाईलाइट करेंगे तो शायद इनका कान खुलेंगे, आंखों भी खुलेंगे, जैसे आके विजिट करेंगे और देखेंगे कि हकीकत में समस्या क्या है। तो ये परेशानी कितने सालों से है और आप लोग कितने सालों से प्रशासन के पास जाया कर रहे हो? प्रशासन के पास तो हम 3 साल से जा रहे हैं, और पहले जैसे इलेक्शन आता है तो हम पॉलिटिक मतलब वो इलेक्शन में हम बताते हैं कि हमारा यहाँ का इशू ये है कि रास्ता हमारा मेन है तो कर दीजिए, तो वो लोग कहते हैं कि चलो इलेक्शन के बाद कर देंगे, मगर बाद में कोई इसका कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो अभी आप लोग का प्रशासन से क्या मांग है, हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहते हो? हमारी मांग यही है कि हमारा जो रोड मेन रोड जो है वहाँ से स्कूल तक होना चाहिए रोड, और हमारा पीछे भी है और गाँव का इतना जो पब्लिक है तो जाएंगे कैसे ऐसा। मतलब आप लोग की मांग है कि यहाँ पे रोड बनना चाहिए? रोड बनना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि अभी हर गांव में रोड है स्कूल के पास, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? हमारा यही एक मांग है कि रास्ता कई सालों से बना नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हुआ है, आज पकड़ा जाए तो 75 साल हुआ है। 75 साल में हम लोग कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रास्ता बनना चाहिए स्कूल के लिए, गांव के लिए। हम गांव के लोगों का सबकी समस्या है इसका रास्ता। कभी बीमार हुए कोई आदमी को लेके जाना है तो यहाँ पर एम्बुलेंस नहीं आती है, और ऐसे कई बनाव हो चुके हैं और ऐसे एम्बुलेंस वाले मना भी कर चुके हैं कि इस जगह पे हम लोग नहीं आ पाएंगे, रास्ता नहीं है, तो हम लोग को बड़ी दिक्कत होती है। और बच्चे लोग छोटे छोटे हैं कि फर्स्ट से लेकर 5वीं क्लास तक यहाँ पर पढ़ने आते हैं स्कूल के लिए, तो कोई
ऐसा रास्ता नहीं है जो पूरा घूमा के आना पड़ता है, एक डेढ़ किलोमीटर से राउंड मार के आना रहता है तब स्कूल में आते हैं बच्चे लोग। शॉर्टकट में कोई रास्ता नहीं है, यहाँ पर वचला फड़िया बोलते हैं, वचला फड़िया में पक्की दीवार बनी हुई है ईंटों की, तो वहाँ से कोई ऊपर चढ़ के 6 फीट ऊंची दीवार बनी है, तो 6 फुट ऊंचे कोई चढ़ के आने वाला नहीं है, इसके लिए 1.5 किलोमीटर पूरा घूम के आना पड़ रहा है। और आज हम लोग यही प्रशासक से यही मांग है, मामलेदार से हम लोग बार बार जाते हैं, 10-15 दिन में जाते हैं, रास्ते के बारे में बताते हैं तो रास्ता बन जाएगा, पर आज तक हुआ नहीं है। 3 सालों से 4 सालों से हम लोग कंटिन्यू उन लोगों के पास चक्कर काट रहे, नहीं हुआ। तो मामलेदार साहब से, कलेक्टर साहब से, हम लोग प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर साहब से यही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये रास्ता बनना चाहिए, स्कूल है गाँव के लोग, बड़ी दिक्कत होती है, होना चाहिए रास्ता, क्लियर होना चाहिए, यही हमारी मांग है। और हमारा ये खरड़पाड़ा पंचायत के सरपंच लोग भी है कि सरपंच लोग भी सपोर्ट नहीं करते, उसका वजह से हमारा काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, मतलब रास्ता बन नहीं पा रहा है। क्या नाम है यहाँ का सरपंच का? सरपंच का श्री दामू भाई बड़गा जी है, यहाँ का खरड़पाड़ा पंचायत का सरपंच जी है। तो आपने उनके पास आप जाके समस्या बताई, कई हम लोग कई सारे मतलब 15-20 लोग कई बार जा चुके हैं और बता दिए हैं कि ये हल होना चाहिए पर नहीं हो रही है। मतलब आप लोग ये मांग है कि यहाँ पर पक्की रोड बननी चाहिए, सुविधा अच्छी होनी चाहिए कि यहाँ से हम लोग का रास्ता मेन रास्ता तक जाके पहुँचना चाहिए, वैसा रास्ता होना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से बंद ही बंद है, यहाँ से भी नहीं निकल सकते, वहाँ से भी नहीं निकल सकते, ऐसा रास्ता है, बीच में हम लोग फंस गए। हाँ। क्या कहना है, तो हमारा ये तीनों पाड़ा का स्कूल के बच्चे लोग इधर आते हैं, अब तक बड़े बड़े ऑफिसर आके और MP आके घूम के गया, तो इन लोगों ने कोई कार्यवाही किया ही नहीं होगा। हाँ, वो खाली नाटक करने के लिए आते हैं कि पब्लिक को कुछ करने के लिए आते हैं? वो नियम में जो है, बंधारण में जो बनाया है, तो वो तो होना चाहिए ना। बाद में जाते हैं तो सरपंच सभ्य को हम लोग ने चुट कर लाया है, तो इन लोग की क्या फर्ज है? उनके पास कुछ छत्ता है कि नहीं? वो बोलेगा तो कोई सुनेगा कि नहीं? कलेक्टर साहब, मामलेदार साहब खुद यहाँ पे आके विजिट करके गया, तो उसका कुछ तो होना चाहिए ना। इधर से नहीं होता तो भाई हम लोग को बोलना चाहिए गांव लोगों को, चलो चलो तुम लोग हमारे साथ आगे जाएंगे, उसका कोई भी तो ये होना चाहिए ना। जैसे कि आप युवा हो, आने वाले दिनों में आपको इस गांव में रहना है और गांव की जो समस्या है उसको ऊपर आपको ध्यान देना है, तो ये जो रोड की समस्या है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? मैं एक एडवोकेट हूँ और मेरा गांव है अथालखड़ी पाड़ा, जहाँ बरसों से आज तक मेरा 35 ईयर हुआ है, लेकिन तब से देख रहा हूँ बचपन से रास्ता अभी तक बना नहीं है। और एडवोकेट होने के नाते मुझे पता है कि अपने बंधारण में सब कुछ प्रोसीजर है कि रास्ता मिल सकता है, लेकिन पता नहीं प्रशासन से क्या कुछ मतलब देने में क्या दिक्कत है वो नहीं पता। पर बार बार हम लोग मामलेदार से भी मिले, कलेक्टर से भी मिले और प्रशासक साहब से भी मिले, लेकिन आज तक रास्ते का कुछ निकाल नहीं आया है। और हम लोग चाहते हैं कि रास्ता बन जाए, और हमारे आने जाने में बीच में रास्ता बना है, वो भी बार बार पंचायत से बोलने के बाद, और ना पीछे निकलने की जगह है ना आगे निकलने की जगह है, और सामने स्कूल भी देख रहे हो आप लोग, और इधर एक रास्ता है वो भी बंद है, सभी जगह से बंद। अगर सभी जगह से रास्ता ही नहीं रहेगा तो हम लोग गांव में आएंगे कैसे? और एम्बुलेंस को भी प्रॉब्लम होएगा तो लेके जाएंगे कैसे? इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि हमारा रास्ता जल्द से जल्द बनवा के दे, और जो बुनियादी सुविधा है रास्ता, पानी, हवा, वो मिलना चाहिए, वैसे ही हमारे प्रशासन से गुजारिश है। धन्यवाद।